जय श्री कृष्ण दोस्तों, श्रीमद्भागवत भगवान की आरती। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन निगम कलप बल कर आरती अति पावन पुराण लीलारती रस रस निदान की, आरती अति पावन तापन वारिणी जन्म में भगवहारिणी सेवक सतत सकल सुखकारिणी सुनो हो सदि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की। विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत रहस्य में प्रकाशिनी परम ज्योति करे मात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की। परम हंस मुनि मनुलासिनी रस के दरस रस उलासिनी भक्तों की रति प्रेम सुदासिनी कृपा आसिनी चंद्री यशु जानकी, आरती अति पावन पुराण की। भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना ही ज्ञान वेदाध्ययन यज्ञ तथा दान का सार है। हे व्यास, शुद्ध भक्ति एवं सेवा से ओतप्रोत साधुओं का संग कितने अद्भुत परिणाम प्रदान कर सकता है, इसे स्पष्ट करने के लिए मैं अपने पूर्व जीवन का इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों, शुद्ध भक्तों के संग कैसे दासी पुत्र आगे चलकर महर्षि नारद बने, महर्षि नारद कैसे भक्तों का झूठन खाके इतने बड़े ऋषि और भगवान श्री कृष्ण के भक्त बने, ये मैं कहानी भगवान जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आप सभी ध्यान से सुने, और जो भी पहली बार आए लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उससे पहले थोड़ा सा कीर्तन और फिर महर्षि नारद के बारे में मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायणी वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायणी वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। श्री नारद मुनि ने कहा, ब्रह्मा जी के पिछले दिन में मेरा जन्म एक साधारण सीदासी के घर हुआ था। मेरी माँ एक ब्राह्मण के गुरुकुल में रहा करती थी। एक समय वर्षा ऋतु के चातुर्मास के दौरान कुछ महान वैष्णव वहाँ आए, और चूँकि मेरी माँ उनकी सेवा में नियुक्त थी, मुझे भी उन साधुओं के निजी सेवा करने का अवसर प्रदान होने लगा। यद्यपि वे महान भक्त वेदांती साधु समदृष्टि थे, उन्होंने मुझ पर विशेष अनुग्रह दिखाया। उस समय यद्यपि मैं छोटा बालक ही था, मैं आत्मसंयमित था, आवश्यकता से अधिक बातें नहीं करता था, और अन्य बच्चों के समान खेल कूद तथा शरारत करने में मेरी कोई रुचि नहीं थी।
एक दिन उनकी अनुमति लेकर मैंने उनके भोजन का उचित ग्रहण किया। इस कार्य से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। तो जैसे ही उन्होंने ऋषि मुनियों ने सभी ने भोजन किया तो उनका जो जूठन बचा था उनसे पूछकर नारद जी ने कहा कि मैं क्या ये प्रसाद ग्रहण कर सकता हूँ। तो वो उनका प्रसाद बचा हुआ प्रसाद खाने से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। इस तरह से ये भागवत कथा है दोस्तों। इसे सुनने से हमारे पितरों के मुक्ति होती है, मोक्ष प्रदान होता है और हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। उन महान साधुओं की सेवा से मेरे हृदय में भगवत भक्ति के प्रति आकर्षण जागृत होने लगा। उनके संग से मैं भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मधुर लीलाओं को सुनने लगा। ध्यान पूर्वक नियमित श्रवण करने से इन विषयों के प्रति मेरी रुचि दिन व दिन बढ़ने लगी और गहरी होने लगी। जब इन विषयों के प्रति मेरी रुचि अत्यंत गहरी हो गई तो मैं निरंतर श्री भगवान के विषय में सुनने के लिए आतुर रहने लगा। फलस्वरूप मेरे हृदय से रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव नष्ट हो गए। मुझे अनुभव होने लगा कि अज्ञानता के कारण ही मैं अपने इसी स्थूल और सूक्ष्म शरीर को आत्मा मान रहा था। दोस्तों, जब भक्ति मिल जाती है तो भगवान की कथा सुनने का, भगवान का नाम जपने का मैं बहुत ही मन लगने लगता है, रुचि होने लगती है। इसी तरह से श्री नारद जी को भी रुचि होने लगी और उनके पूजा पाठ में लग गए, भजन कीर्तन और उनकी भक्ति दिन ब दिन बढ़ने लगी। वो अपने आप को इस स्थूल शरीर को आत्मा मान रहे थे, ये ऐसा बोल रहे हैं। मैं उन महान भक्तों का बहुत आदर करता था और अत्यंत शील व्यवहार करते हुए कठोरता से उनके निर्देशों का पालन करता था। वहाँ से प्रस्थान करते समय उन भक्ति वेदांतियों ने मुझे परम भगवान से संबंधित अत्यंत गोपनीय ज्ञान प्रदान किया, गुरु मंत्र दिया। इस प्रकार मैंने उनसे प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में नियुक्त करने की कला सीखी, जिसका चरम लक्ष्य भगवान के परम धाम में उनके निजी सानिध्य प्राप्त करना है। क्योंकि कई बार ऐसा नहीं होता, जो वस्तु किसी रोग का कारण होती है वह दूसरे तरीके से उपयोग में लाने से उसका निदान भी बन जाती है। भक्ति की पद्धति का पालन करने तथा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से धीरे धीरे मुझे सबसे पहले भगवान के दिव्य ज्ञान की अनुभूति हुई और फिर योग सिद्धियाँ तथा अंततः उनकी अंतरंग प्रेममयी सेवा की प्राप्ति हुई। हे श्री व्यासदेव, मेरा निवेदन है कि तुम भगवान की लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करो, क्योंकि इससे आज का पतित मानव समाज भौतिक जगत के दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्रील व्यासदेव ने पूछा, हे गुरुदेव, उन महान साधुओं के चले जाने के बाद आपने क्या किया? उनके द्वारा दिव्य ज्ञान में दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात आपने किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया? किस प्रकार अपना वह शरीर त्याग कर इस शरीर को प्राप्त किया? काल प्रत्येक वस्तु का संहार कर देता है, परंतु यह कैसे संभव हुआ कि आपको अभी तक ब्रह्मा जी के पिछले दिन में घटी घटनाओं का स्पष्ट स्मरण है? श्री नारद मुनि ने उत्तर दिया, उस समय मैं केवल 5 वर्ष का था और मैं अपनी माँ की इकलौती संतान था। वह मुझसे अत्यंत प्रेम करती थी और हर समय हर प्रकार से मेरी देखभाल करना चाहती थी, परंतु चूँकि वह स्वयं दूसरे के ऊपर आश्रित थी, वह मेरे लिए कुछ अधिक नहीं कर पाती थी। एक दिन संध्या समय गाँव का दूध निकालने के लिए जाते समय उसे एक सांप ने डस लिया, तत्क्षण उसकी मृत्यु हो गई। मैंने इस घटना को भगवान की कृपा के रूप में देखा, क्योंकि मैं जानता था कि भगवान सदैव अपने भक्तों का परम हित चाहते हैं। यद्यपि उस समय मुझे अपने गांव से बाहर जाने का कोई अनुभव नहीं था, मैंने तुरंत अपना घर त्याग दिया और उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। नाना शहरों, कस्बों, गांवों, खेत खलिहानों, वनों, पर्वतों तथा घाटियों से होता हुआ मैंने एक ऐसे घने जंगल में प्रवेश किया जो सर्पों, उल्लुओं तथा भेड़ियों से भरा हुआ था। चूंकि मैं भूख प्यास तथा मानसिक एवं शारीरिक थकावट से त्रस्त था, वहां पहुंचकर मैंने एक सरोवर से जल पिया और स्नान करके तरोताज़ा हो गया। तत्पश्चात मैं निकट ही खड़े एक विशाल वट वृक्ष की छाया में बैठ गया और जिस प्रकार मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया था
मैं अपने हृदय में स्थित परमात्मा पर ध्यान करने लगा। जैसे ही मैंने अपना मन भगवान के श्री चरणों पर केंद्रित किया, मेरे हृदय में दिव्य प्रेम उमड़ पड़ा। मेरी आंखों से अविरल अश्रुपात होने लगा। भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय रूपी कमल पुष्प प्रकट हो गए। अपने प्रिय स्वामी को देखकर मैं आनंद में इतना भाव विभोर हो गया कि मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग आध्यात्मिक शक्ति एवं भावनाओं से ओतप्रोत हो उठा। इतना ही नहीं, मैं उस आनंद में इस तरह तल्लीन हो गया कि मैं स्वयं को एवं भगवान दोनों को देखने की दृष्टि खो बैठा। भगवान का दर्शन व्यक्ति को इतनी गहरी संतुष्टि प्रदान करता है कि उसका वर्णन शब्दों की पहुंच से बाहर है। इसलिए दृष्टि से भगवान का दर्शन ओझल होने पर मेरा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा। मेरे मन को गहरा आघात पहुंचा। जिस वस्तु के लिए मैं इतने लंबे समय के लिए लालायत था, वह मुझे मिली, परंतु अगले ही क्षण खो गई। मैं बेचैन होकर अपने भगवान का दर्शन पाना चाहता था। मैं फिर से ध्यान लगाया, परंतु उनकी झलक प्राप्त करने के भरसक प्रयास करने पर भी मैं असफल रहा। मैं अत्यंत दुखी होकर गहन निराशा के गर्त में डूब गया। उस एकांत स्थान में मेरी गंभीर चेष्टाओं को देखकर भगवान मेरे दुख को दूर करने के लिए अदृश्य रहते हुए गंभीर शब्दों में ये वचन कहे। श्री भगवान ने कहा, हे नारद, मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इस जीवन में तुम पुनः मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो व्यक्ति पूरी तरह भौतिक कलमशों से मुक्त नहीं होता, उसका मेरे पास आना अत्यंत दुष्कर है। तुम्हारे ऊपर विशेष अनुग्रह करते हुए मैंने इसलिए तुम्हें अपनी छोटी सी झलक दिखाई, जिससे मुझे प्राप्त करने की तुम्हारी उत्कंठा और अधिक बढ़ जाए और तब मुझे यथाशीघ्र प्राप्त करने की लालसा में तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे। मैं तुम्हें पूरा आश्वासन देता हूँ, मेरी कृपा से न तुम्हारी भक्ति में कोई बाधा आएगी और सृष्टि एवं प्रलय के बाद भी तुम्हें स्मरण शक्ति यथावत बनी रहेगी। इस प्रकार इस घृणित भौतिक संसार को त्यागने के पश्चात तुम आध्यात्मिक जगत में मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। श्री नारद मुनि ने कहा, यह कहकर भगवान शांत हो गए। उनके प्रति अगाध कृतज्ञता का अनुभव करते हुए मैंने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात मैं पूरी तरह संतुष्ट रहते हुए विनर्म तथा द्वेष रहित होकर संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करने लगा। समस्त सामाजिक रीतियों की उपेक्षा करते हुए मैंने भगवान के पवित्र नामों तथा उनकी महिमाओं को निरंतर गान करने लगा। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात भगवान का स्मरण करते हुए मेरी भेंट मृत्यु से हुई। उस समय तक मैं समस्त भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो चुका था। तत्क्षण मुझे एक ऐसी दिव्य देह प्राप्त हुई जो भगवान के पार्षदों के लिए उपयुक्त होती है। पुराने शरीर की मृत्यु तथा नए शरीर की प्राप्ति एक साथ उसी प्रकार हुई जिस प्रकार आकाश में बिजली और गड़गड़ाहट एक साथ दोनों होती हैं। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेटे थे, उस समय में ब्रह्मा जी तथा भौतिक तत्वों के साथ ही भगवान की श्वास से उनके शरीर के भीतर प्रविष्ट हो गया। वहाँ ब्रह्मा जी ने गर्भोत्कषायी विष्णु के रात्रि काल समाप्त होने तक विश्राम किया, जो चार युगों के 1000 चक्र जितनी अवधि का होता है। तत्पश्चात में ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में अन्य ऋषि महर्षियों के साथ प्रकट हुआ, परंतु मेरा प्राकट्य उन सबसे अलग पूरी तरह दिव्य था। भगवान विष्णु की अतिशय कृपा के कारण मैं उस समय से समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक जगतों में निर्वाण भ्रमण करने लगा, और भ्रमण करते समय मैंने भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई इस वीणा पर सतत उनकी महिमाओं का गान करता रहता हूँ। जैसे ही मैं भगवान की महिमाओं का गान आरंभ करता हूँ, वे तत्क्षण आकर मेरे हृदय रूपी आसन पर विराजमान हो जाते हैं, मानो उनका आह्वान किया गया हो। हे व्यास, अब मैं तुम्हें अपना प्रत्यक्ष अनुभव बताता हूँ। इस संसार की पीड़ित जीवात्माओं को अज्ञानता के दुख भरे सागर से पार ले जाने का केवल एक ही मार्ग है कि उन्हें भगवान के पवित्र नाम तथा लीला को निरंतर कीर्तन रूपी नौका में सवार कर दिया जाए। निरंतर कीर्तन रूपी नौका में सवार कर दिया जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। योग पद्धति द्वारा इंद्रियों को संयमित करने से व्यक्ति को कुछ समय के लिए अवश्य भौतिक कष्टों से राहत मिलती है, परंतु भगवान की प्रेममयी सेवा ही आत्मा को सच्ची संतुष्टि प्रदान करने की शक्ति रखती है। यह कहकर नारद मुनि ने अपनी वीणा बजाते हुए आकाश मार्ग द्वारा वहां से प्रस्थान किया। तब श्रील व्यास देव सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर बैठ गए। शुद्धिकरण के लिए जल का स्पर्श करते हुए उन्होंने अपने निष्पाप मन को भगवान पर केंद्रित कर लिया। ध्यानावस्था में उन्होंने भगवान को देखा और साथ ही उनके पीछे चल रही उनकी बहिरंगा माया को भी देखा, जो पूरी तरह से उनके नियंत्रण में थी। उस बहिरंगा शक्ति द्वारा निर्मित माया को केवल भक्ति योग की विधि द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है, और चूंकि जन सामान्य उस विधि से अनजान था, श्री व्यासदेव ने इस महान ग्रंथ श्री मद्भागवत की रचना की। इस अद्भुत ग्रंथ के श्रवण मात्र से तत्क्षण हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम भक्ति अंकुरित हो जाती है और शोक मोह तथा भय रूपी अग्नि का पूर्णतः शमन कर देती है। ब्रह्मा जी के पूर्व कल्पों में नारद मुनि उपवरहण नाम के एक गंधर्व थे। उनका मुख अत्यंत सुंदर तथा शरीर आकर्षक था और इसलिए अन्य सब गंधर्व उनका आध्यात्मिक अत्यधिक सम्मान करते थे। जब उपवरहण सुंदर पुष्पों की मालाओं तथा चंदन के लेप से सुसज्जित होकर सभा में आता था तो स्त्रियां मंत्रमुग्ध हो जाती थीं। परिणाम स्वरूप उपवरहण सदैव कामुक इच्छाओं से पीड़ित रहता था। चूंकि वो स्त्रियों के लिए अत्यंत आकर्षण था, उसका जीवन रंगरेलियों और भोग विलास भरा था। एक समय देवताओं ने भगवान का गुणगान करने के लिए संकीर्तन उत्सव का आयोजन किया। उसमें सब गंधर्वों और अप्सराओं को निमंत्रित किया गया। उनके स्त्रियों से घिरा उपवरहण भी वहां पहुंचा। उनके संग में मूर्खता बस अन्य देवताओं का गुणगान करते हुए गीत गाने लगा। इन दो अपराधों के कारण कामुक स्त्रियों के संग में संकीर्तन में सम्मिलित होना तथा लौकिक गीतों को कृष्ण कीर्तन के समान गाना मानना, प्रजापतियों ने उसे तुरंत शूद्र शरीर में जन्म लेने का श्राप दे दिया। परिणाम स्वरूप उपवरहण को एक साधारण दासी के घर जन्म लेने के बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार नारद मुनि की ये पूरी कथा आती है। तो दोस्तों अब थोड़ा सा कीर्तन करके फिर आरती करते हैं श्री कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे मदे सुदन हरे गणेश श्याम हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।